हेलो दोस्तों, आज के हम बात करने वाले हैं वीवो T2 प्रो डिवाइस के अंदर आप व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे दोस्तों, इसी का सेटिंग यहां पे आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट डाटा होते हैं, या फोटो वीडियो या डॉक्यूमेंट्स, ऐसे सारे बहुत सारे डाटा होते हैं। और आप किसी को भी फ़ोन देते हैं, वो क्या करते हैं आपके व्हाट्सएप को ओपन करके चेक करने लगते हैं, तो उसमें आपका जो चैट है, जो वीडियो है, सब कुछ उसको चेक करते हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाता है। अगर आप वहाँ पे ऐप लॉक यूज़ करते हैं तो एक बार ही आप पासवर्ड बताते हैं तो एक बार बार ओपन करके वो चेक करने लगते हैं। अगर आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक यूज़ करेंगे तो जो आपका व्हाट्सएप है वो बहुत ज़्यादा सेफ होगा। अगर आप एक बार ही आप अपने फिंगर को किसी को भी लगा के दे देंगे तो दोबारा फिर आपके व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर पाएगा, वो एक ही बार आपके व्हाट्सएप को यूज़ करेगा। तो आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे, चलिए अपने व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और वहाँ से आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। तो हम अपने व्हाट्सएप को यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप है यहाँ पे ओपन हो जाता है, और ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा तो आपको उस पर क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन है, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपकी व्हाट्सएप की सेटिंग है, यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइवेसी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सेटिंग आते हैं, और थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है फिंगरप्रिंट लॉक, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है फिंगरप्रिंट लॉक, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा बटन है, आपको इसको इनेबल करना है। और आप देख रहे हैं जैसे आप बटन को यहाँ पर इनेबल करेंगे तो आपके फ़ोन में यहाँ पर आ रहा कन्फर्म फिंगरप्रिंट, और उसके नीचे आपको मिलता है टच द फिंगरप्रिंट सेंसर। आप अपने उंगल को अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे टच करो और यहाँ पे अपने फिंगर को कंफर्म करो। तो दोस्तों एक चीज़ और हम यहाँ पे आपको बता दें, आप कभी भी अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाएंगे तो उससे पहले आपको अपने स्क्रीन लॉक में फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेना, क्योंकि आपका जो फिंगर है यहाँ पर ऐड नहीं होता, सिर्फ आपके फिंगर का परमिशन लिया जाता है और इसके बाद आपके व्हाट्सएप में जो लॉक है वो लग जाता है। तो इस तरह से आपको अपने फ़ोन में अगर लॉक यूज़ करना है तो आपको पहले अपने स्क्रीन लॉक में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है, इसके बाद आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाएंगे। तो चलिए हम अपने फिंगर का यहाँ पे परमिशन देते हैं और देखते हैं हमारे व्हाट्सएप में जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो लगता है या नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम जैसे अपने उंगल को यहाँ पे टच करते हैं अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे, तो तुरंत यहाँ पे जो ये बटन है ये इनेबल हो जाता है हमारे फ़ोन में। तो आप देख रहे हैं हमारे फ़ोन में ये बटन यहाँ पे इनेबल हो चुका है, और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिकली लॉक, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉक। तो यहाँ पे दोस्तों आ रहा कि जो आप अपने व्हाट्सएप को यूज़ करके छोड़ देते हैं, इसके बाद जो वहाँ पे आपका जो व्हाट्सअप है वो कितनी देर बाद लॉक होगा, ये चीज़ का यहाँ पे सेटिंग आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर इमीडिएटली यूज़ करना है तो आप इमीडिएटली अगर यूज़ करते हैं तो जो आपका व्हाट्सअप है यूज़ करके छोड़ेंगे तो तुरंत लॉक हो जाएगा। नीचे आपको मिलता है आफ्टर 1 मिनट, अगर आप अपने व्हाट्सअप को यूज़ करके छोड़ेंगे 1 मिनट बाद आपका जो व्हाट्सअप है वो लॉक होगा। यहाँ पर आपको मिलता है आफ्टर 30 मिनट, आपका जो व्हाट्सअप है वो 30 मिनट बाद लॉक होगा। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इमीडिएटली यूज़ करें और हम यहाँ से इसको कट करेंगे और अपने स्क्रीन पे आते हैं, और इसके बाद अब अपने व्हाट्सएप को फिर से ओपन करेंगे और देखते हैं जो हमारा व्हाट्सएप है यहाँ पर ओपन होता है या जो वहाँ पर फिंगर मांगता है। तो हम इसको यहाँ पर जैसे ओपन करते हैं तो आप देख रहे जो हमारा व्हाट्सएप है यहाँ पर फिंगर मांगने लगता है, तो हम इसको यहाँ पर फिंगर ऐड करेंगे। जैसे अपने फिंगर को यहाँ पे ऐड करते हैं तो आप देख रहे हैं हमारा जो व्हाट्सअप है यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने व्हाट्सअप में फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से आपको अपने फ़ोन में किस तरह से आपको अपने व्हाट्सअप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।